अहम खबर से हम आपको आगाह कर रहे हैं। आईजी फैसल शाहकार की हुकूमत के साथ काम करने से मुआजरत। आईजी फैसल शाहकार ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को मुरास्ता भिजवा दिया है। अली साही हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी अली साही। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब के बाद आज आईजी पंजाब फैसल शाहकार की जनब से एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को मुरास्ता भिजवाया गया है कि वो पंजाब गवर्नमेंट के साथ मजीद काम नहीं कर सकते, इसलिए उन मौजूदा जो असाइनमेंट्स हैं वो अपने उन पर काम रखना मुमकिन नहीं, और इसी बात पर दरख्वास्त की है कि पंजाब से मेरी खिदमात को फौरी तौर पर वापस लेकर वफाकी हुकूमत को सपोर्ट किया जाए ताकि जो एक प्रेशर में आया हुआ हूँ, और चंद रोज कबल जो एक नाखुशगवार वाकया पेश आया था वजीराबाद में, उसके बाद पीटीआई की क्यादत की जानब से भी अलान जो है वो फैसल शाहकार के खिलाफ जलसे जुलूसों में शेम फार आईजी और पंजाब पुलिस के शोहदा के खिलाफ और पंजाब पुलिस की वर्दी के खिलाफ बातें की जा रही थी। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए फैसल शाहकार की जानब से एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को दरख्वास्त की गई है कि उनकी खिदमात यहाँ से सरेंडर की जाएं। इससे पहले भी पीटीआई गवर्नमेंट की जानब से साबिक आईजी साहबान के बारे में भी गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर उनकी जानब से भी सख्त मजम्मत की गई थी, और आज सख्त रिएक्शन आया है फैसल शाहकार की जानब से, जो पिछले दो तीन रोज में पीटीआई की क्यादत की जानब से कंटेनर्स पर खड़े होकर मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए गए पंजाब पुलिस के शोधा के लिए, आईजी पंजाब के लिए और पंजाब पुलिस की वर्दी के लिए। आईजी पंजाब फैसल शाहकार जब से पंजाब में तैनात हैं तो उसके तीसरे या चौथे रोज बाद पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई थी और वजीर आला जो थे वो परवेज लाई थे, तो मुख्तलिफ मौकों पर तकर्रो तबादलों पर भी आईजी पंजाब जो थे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।